जब भी हम अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी कमर्शियल काम करने के लिए एक नया प्रिंटर परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। कौन से ब्रांड का प्रिंटर हमारे लिए सही होगा, किस बजट रेंज में प्रिंटर लेना सही होगा, कलर लेना सही होगा या इंक टैंक लेना सही होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, लेजर, कौन सा प्रिंटर मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, किस प्रिंटर्स की सर्विस बेस्ट मिलने वाली है, किस प्रिंटर का रिफिलिंग कॉस्ट क्या आने वाला है, साथ ही किस प्रिंटर में सबसे बेस्ट फीचर मिलने वाला है। ये वीडियो मैंने काफी डीप रिसर्च करने के बाद बनाया है। इस तरह का कंपेरिजन वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में आपको सभी प्रिंटर्स के बारे में डिटेल में कंपेरिजन करने के बाद बताने वाला हूँ कि किस प्रिंटर्स में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किस प्रिंटर का प्रिंटिंग कॉस्ट सबसे बढ़िया है, किस प्रिंटर का पावर कंजप्शन कितना है, किस ब्रांड्स के प्रिंटर में आपको बेस्ट सर्विस मिलने वाला है। इस तरह के जितने भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में आपके सभी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। इस तरह के कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी रिसर्च करना पड़ता है, तो इस मेहनत और रिसर्च के लिए एक छोटा लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम टॉप 4 ब्रांड्स के प्रिंटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले नंबर का जो प्रिंटर है वो है इप्सन ब्रांड का, जिसका मॉडल है L3210। ये प्रिंटर ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी, जेरोक्स सारा कर सकते हैं। इस प्रिंटर में आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस प्रिंटर की कनेक्टिविटी USB 2.0 है। इस प्रिंटर का जो प्रिंटिंग स्पीड है, अगर आप कलर प्रिंट आउट करते हैं तो 17 पेज पर मिनट प्रिंट आउट होगा, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करते हैं तो 26 पेज पर मिनट प्रिंट आउट होगा। इस प्रिंटर की पेपर इनपुट कैपेसिटी 100 है, यानी कि आप इस प्रिंटर में एक बार में 100 पेपर इनपुट कर सकते हैं, 100 पेपर रख सकते हैं। इस प्रिंटर में जो इंक सपोर्ट करता है उस इंक का मॉडल है इप्सन 003। इस प्रिंटर में टोटल 4 इंक के बॉटल लगेंगे, 3 कलर और 1 ब्लैक एंड व्हाइट। 3 कलर इंक बॉटल के प्राइस अराउंड 600 के आसपास एक बॉटल का कॉस्ट आता है, यानी 3 का हो गया 1800 रुपए, और एक ब्लैक एंड व्हाइट का बॉटल रहता है, ब्लैक का बॉटल, जिसका प्राइस 400 के आसपास आता है, यानी कि टोटल रिफिलिंग कॉस्ट 2200 के आसपास आपको पड़ने वाला है। इस प्रिंटर का जो सर्विस है वो ऑन साइट सर्विस है। अगर आपको प्रिंटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करना होगा, कंप्लेन रेज करना पड़ेगा, उसके बाद टेक्नीशियन आपके साइट पे विजिट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रिंटर में आपको किसी भी तरह का डिस्प्ले पैनल नहीं मिलता है। इस प्रिंटर में फोटो पेपर भी सपोर्ट करता है, यानी आप ग्लॉसी पेपर में फोटो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो आप इस प्रिंटर में कर सकते हैं। इस प्रिंटर का जो DPI है, कलर DPI 5760x1440 है, और ब्लैक एंड व्हाइट जो DPI है वो है 5760x1440। इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम प्रिंट आउट कैपेसिटी है वो है 4500 ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर कैपेसिटी है 7500। इस प्रिंटर में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है वो है Windows XP, Windows XP प्रोफेशनल, विस्टा 7, 8, 8.1, Windows 10, 11, सर्वर 2003, 2008, 2012, 2016 और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इस प्रिंटर को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इस प्रिंटर का जो पावर कंजप्शन है वो है 14 वाट का। इस प्रिंटर में जो फोटो पेपर का मैक्सिमम GSM सपोर्ट दिया है, यानी कि पेपर की मैक्सिमम मोटाई जो सपोर्ट करेगी वो है 275 GSM, और प्लेन पेपर की जो GSM है वो है मैक्सिमम सपोर्ट अप टू 80 GSM। इप्सन L3210 इस प्रिंटर का जो प्राइस है वो 12,000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस डिपेंड करता है आपके लोकेशन के हिसाब से, साथ ही ऑनलाइन में चल रहे ऑफर के हिसाब से। अगला जो प्रिंटर का ब्रांड है वो है कैनन का। इसका मॉडल है G2010। ये भी ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी, जेरोक्स सारा कर सकते हैं। ये भी एक इंक टैंक कलर प्रिंटर है जिसमें आप कलर, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस प्रिंटर की कनेक्टिविटी USB 2.0 है। इस प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड जो कलर पेपर प्रिंट आउट करेगा वो है 5 पेज पर मिनट, और ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटिंग स्पीड है वो है 8.8 पेज पर मिनट। इस प्रिंटर की पेपर इनपुट कैपेसिटी 100 है। इस प्रिंटर में जो इंक सपोर्ट करेगा उस इंक का मॉडल है 790। इसमें भी आपको 4 इंक के बॉटल लगेंगे, 3 कलर इंक के बॉटल और 1 ब्लैक एंड व्हाइट इंक के बॉटल। सभी इंक के बॉटल का प्राइस सेम होता है। एक इंक के बॉटल का प्राइस 540 रुपीज है, यानी कि टोटल रिफिलिंग कॉस्ट आपका 2160 रुपए के आसपास आने वाला है। इस प्रिंटर का सर्विस भी आपको ऑन साइट मिलेगा। आपको टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करना होगा और टेक्नीशियन आपके साइट विजिट करके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। इस प्रिंटर में आपको एक डिस्प्ले पैनल मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर आपको मल्टीपल जेरोक्स करना है, एक बार में एक से ज्यादा जेरोक्स करना है, तो आप डिस्प्ले की मदद से इजिली कर सकते हैं। इस प्रिंटर में भी ग्लॉसी पेपर प्रिंटआउट का सपोर्ट दिया है, यानी इस प्रिंटर में आप फोटो भी प्रिंट आउट कर सकते हैं।
इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम DPI है वो है 4800x1200 ब्लैक का, 4800x1200 कलर का, दोनों का सेम DPI है। इस प्रिंटर की जो मैक्सिमम प्रिंटिंग आउटपुट कैपेसिटी है वो है 6000 ब्लैक एंड व्हाइट का और 7000 कलर का। इस प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है वो है विंडोज 10, 8 और 7। इस प्रिंटर का पावर कंजप्शन 11 वाट का है। साथ ही इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम GSM सपोर्ट है ग्लॉसी पेपर का है वो है 275 GSM और प्लेन पेपर का जो मैक्सिमम GSM सपोर्ट है वो है 105 GSM। कैनन 2010 ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर का प्राइस 12,700 रुपए के आसपास आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल सकता है। प्राइस आपके लोकेशन के हिसाब से या ऑनलाइन में चल रहे ऑफर के हिसाब से वेरी कर सकता है। इसके बाद जो अगला प्रिंटर का ब्रांड है वो है HP। प्रिंटर का मॉडल है HP स्मार्ट टैंक 525। ये प्रिंटर भी ऑल इन वन प्रिंटर है, इसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी, जेरोक्स सारा फीचर दिया है। इस प्रिंटर में भी आप कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर की कनेक्टिविटी भी USB 2.0 है। इस प्रिंटर का जो स्पीड है वो कलर पेपर प्रिंट आउट का स्पीड है 5 पेज पर मिनट और ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट आउट का स्पीड है 12 पेज पर मिनट। इस प्रिंटर की मैक्सिमम पेपर इनपुट कैपेसिटी 100 है। इस प्रिंटर में जो इंक बॉटल लगता है उस बॉटल का मॉडल है GT52। इस प्रिंटर में भी आपको 4 इंक के बॉटल लेने होंगे। एक बॉटल का प्राइस 650 के आसपास आता है, यानी कि 4 बॉटल का प्राइस 2600 के आसपास आपको इसका रिफिलिंग कॉस्ट आएगा। इस प्रिंटर का सर्विस भी आपको ऑन साइट मिलेगा, टोल फ्री नंबर पे आपको कंप्लेन करना होगा, उसके बाद टेक्नीशियन आपके साइट विजिट करके सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस प्रिंटर में भी आपको एक डिस्प्ले पैनल मिल जाता है जिससे अगर आपको मल्टीपल जेरोक्स निकालना है तो इजीली आप जेरोक्स निकाल सकते हैं। इस प्रिंटर में भी ग्लॉसी पेपर प्रिंट आउट का सपोर्ट दिया है, यानी कि आप ग्लॉसी पेपर में फोटो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम कलर DPI है वो है 4800x1200, ब्लैक एंड व्हाइट का जो कैपेसिटी है 1200x1200। इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम प्रिंटिंग आउटपुट कैपेसिटी है वो है 6000 ब्लैक एंड व्हाइट और 6000 कलर। इस प्रिंटर में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है वो है विंडोज 11, विंडोज 10 और विंडोज 7 का। इस प्रिंटर का जो पावर कंजप्शन है और सभी प्रिंटर्स के मुकाबले काफी कम है। इस प्रिंटर का पावर कंजप्शन है 2.58 वाट। इस प्रिंटर में जो ग्लॉसी पेपर का मैक्सिमम GSM सपोर्ट दिया है वो है 300 और प्लेन पेपर का मैक्सिमम GSM सपोर्ट दिया है वो है 90। HP स्मार्ट टैंक 525 ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर का प्राइस है 11,749 रुपए। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरी कर सकता है आपके लोकेशन के हिसाब से या ऑनलाइन में चल रहे ऑफर के हिसाब से। अगला जो प्रिंटर है वो है ब्रदर्स ब्रांड का, जिस प्रिंटर का मॉडल है T220। ये भी ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी, जेरोक्स सारा हो जाएगा। ये भी एक कलर प्रिंटर है जिसमें आप कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस प्रिंटर की कनेक्टिविटी USB 2.0 है। इस प्रिंटर का जो प्रिंटिंग स्पीड है वो है ब्लैक एंड व्हाइट का 11 पेज पर मिनट और कलर पेपर का जो प्रिंटिंग स्पीड है वो है 28 पेज पर मिनट। इस प्रिंटर की मैक्सिमम पेपर इनपुट कैपेसिटी है 150 और सभी प्रिंटर से सबसे ज्यादा पेपर इनपुट कैपेसिटी इस प्रिंटर में दिया है। इस प्रिंटर में भी आपको 4 इंक के बॉटल लगेंगे। इस प्रिंटर में जो इंक का बॉटल लगेगा उस बॉटल का मॉडल है D60 BT 5000। कलर के 3 इंक बॉटल लगेंगे। एक कलर इंक बॉटल का प्राइस 400 के आसपास आता है, यानी कि 3 कलर का 1200 रुपये और जो ब्लैक वाला इंक का बॉटल है उसका प्राइस 550 रुपये के आसपास पड़ता है, यानी कि टोटल जो रिफिलिंग कॉस्ट आपका आने वाला है वो है 1750 रुपया। इस प्रिंटर का सर्विस भी आपको ऑन साइट मिलेगा, आपको टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद टेक्नीशियन आपके साइट विजिट करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रिंटर में भी आपको एक डिस्प्ले आइकन मिलता है जिसकी मदद से अगर आपको मल्टीपल एक से ज्यादा जेरोक्स करना है तो इजीली कर सकते हैं। इस प्रिंटर में भी ग्लॉसी पेपर का सपोर्ट दिया है, यानी कि आप फोटो पेपर में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, फोटो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम DPI दिया है वो है कलर का है 1200x6000 और ब्लैक एंड व्हाइट का जो DPI है वो है 1200x6000। इस प्रिंटर का जो मैक्सिमम प्रिंटिंग आउटपुट कैपेसिटी है वो है 7500 ब्लैक एंड व्हाइट और 5000 कलर। इस प्रिंटर में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है वो है विंडोज 7 सर्विस पैक 1, 8, विंडोज 10, विंडोज 11 और ये प्रिंटर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्ट करेगा। इस प्रिंटर का जो पावर कंजप्शन है वो है 11 वाट का। इस प्रिंटर में जो ग्लॉसी पेपर का मैक्सिमम GSM सपोर्ट है वो है 300 और प्लेन पेपर का मैक्सिमम GSM सपोर्ट है वो है 80। इस प्रिंटर का जो प्राइस है वो है 11,700 रुपये, जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस डिपेंड करता है आपके लोकेशन और ऑनलाइन में चल रहे ऑफर के हिसाब से। ये जितने भी प्रिंटर्स मैंने आपको बताया है ये सभी रफ एंड टफ प्रिंटर है,
सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रिंटर्स है, सभी में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रिंटर का स्पीड है, वो मैंने सारा कंपैरिजन डिटेल में कर दिया है। सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक दूसरे से डिटेल में कंपैरिजन करने के बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट होगा, आपको प्रिंटर में क्या रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, प्रिंटर का स्पीड चाहिए आपको बेस्ट, या प्रिंटिंग की कॉस्ट सबसे बेस्ट चाहिए, या प्रिंटर का पावर कंजप्शन सबसे कम होना चाहिए। मैंने सभी प्रिंटर्स को एक दूसरे से कंपेयर करके आपको डिटेल में कंपैरिजन दे दिया है। अब आप आसानी से डिसीजन लेकर के एक बेस्ट प्रिंटर अपने लिए परचेस कर सकते हैं। ये जितने भी प्रिंटर्स के मॉडल्स के बारे में मैंने बताया है, जैसे नंबर वन पे जो इप्सन का था L3210, अगर आपको L3211 3215 भी मिल रहा है तो सीरीज लगभग सेम रहते हैं, फीचर लगभग सेम रहते हैं, कलर का डिफरेंस हो सकता है। उसी तरह कैनन में G2010 के जगह G2012 ही मिलता है तो भी आप ले सकते हैं, फीचर सेम ही रहते हैं, मॉडल का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसी तरह HP में होता है और ब्रदर्स में होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे प्रिंटर्स को लेकर के वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।